नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पेमा खांडू ने शपथ लेने के लिए कुछ देर में वो पहुंचेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कोई मंत्री उनके साथ शपथ नहीं लेगा। आपको यह भी बता दें कि कल मुख्यमंत्री नवाब तुकी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तुकी सरकार बहाल हुई थी। इसके बाद दोपहर 1 बजे कल विधानसभा में तुकी सरकार को अपना बहुमत साबित करना था, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की नई रणनीति के तहत तुकी ने इस्तीफा दे दिया और पेमा खांडू को कांग्रेस के विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया। आपको बता दें कि कौन है नए मुख्यमंत्री पेमा खांडू। इनका जन्म 1979 में अरुणाचल के तवांग जिले में हुआ। अभी उम्र इनकी 36 साल है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के पुत्र हैं, बेटे हैं। राज्य के जल संसाधन और पर्यटन मिनिस्टर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुक्तो क्षेत्र से विधायक हैं और 2010 में तवांग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। साल 2002 में कांग्रेस में शामिल हुए। 2005 में अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, कितनी देर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, अभी थोड़ी देर में ही कार्यक्रम शुरू होने वाला है। करीब 11:30 बजे पहले बोला गया था, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 12:15 बजे किसी भी वक्त वो शपथ ले सकते हैं। और जहां तक देखें तो पेमा खांडू को लेकर के कल ही अचानक ये फैसला लिया गया था, क्योंकि पहले से जो नवाम तुकी थे उनको लेकर के कांग्रेस के अंदर काफी नाराजगी थी। अरुणाचल में जो उनके विधायक थे कांग्रेस के, और इसीलिए ये कहा जा रहा था कि बागी हुए थे नवाब तुकी के नाम को लेकर के शुरू से विरोध करते रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अलग होकर के बीजेपी के साथ मिलकर के वहां पे सरकार बनाने की कोशिश की थी। लेकिन कल ही कांग्रेस ने अचानक ये फैसला लिया, क्योंकि पेमा खांडू को लेकर के जो बाकी जो कांग्रेस के बागी थे वो सहमत थे, वो साथ में रहना चाहते थे, और उसके बाद ये तय हो गया था कि ये पेमा खांडू को ही बनाया जाएगा। तो थोड़े देर पेमा खांडू के साथ कोई मंत्री शपथ नहीं ले रहा है जी। देखिए, चूंकि बहुत जल्दीबाजी में हुआ है, ये बताया गया है कि अभी चूंकि किसको कौन सा मंत्रालय देना है, इसमें भी अभी बहुत सी बातें होनी है, क्योंकि अभी भी पार्टी के अंदर नाराजगी है ही है विधायकों के अंदर। तो ये थोड़े देर हो सकता है 2-4-5 दिन के बाद दोबारा एक तरीके से एक्सपेंशन हो कैबिनेट का, और वहां पर जो नए नाम है वो लेकर के आ जाए। तो फिलहाल अभी ये फैसला किया गया कि ऐसे वक्त में जब अभी नाम तय नहीं हो पा रहे हैं, विवाद पार्टी के अंदर बना हुआ है, तो बेहतर है कि पहले सीएम पद की शपथ ली जाए, उसके बाद दूसरे मंत्रियों को चार्ज दिया जाए या उनको बाद में शपथ के लिए बुलाया जाए। मनीष, जो बाकी विधायक थे उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं कि मंत्रिमंडल में उन्हें किस तरह की जगह चाहिए, कौन सा ओहदा चाहिए? जी हाँ, जाहिर है जो बाकी हुए थे विधायक वो 2-3 चीजों से नाराज थे। एक तो ये थे कि नवाब तुकी उनके सुनते नहीं थे, वो अपनी मनमर्जी करते थे। दूसरी बात, उनके कुछ अपने लॉयलिस्ट थे जिनको इंपॉर्टेंट जो पोस्ट थे वो दिए गए थे। और तो जब ये हटाने का फैसला हुआ और ये फैसला हुआ कि पेमा खांडू बनाया जाएगा, तो जाहिर है ये मांग रखी गई है कि जो भी बाकी विधायकों में जो इन्फ्लुएंशियल विधायक हैं, जो ताकतवर हैं, वो अपने चाहते हैं कि उनके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पोर्टफोलियो उनको मिले। और इसीलिए चूंकि सब में सबसे बातचीत करनी थी, समय नहीं था, चूंकि स्पीकर वहाँ पे गवर्नर ने तुरंत ये फैसला किया था कि सरकार बनाने को लेकर के, तो ये डिसीजन लिया गया कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, उसके बाद सभी से बात होंगे, सबसे मनाने की कोशिश होगी, और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि किसको कौन से यहाँ पोस्ट दिए जाएंगे। बागी विधायकों के पोर्टफोलियो को लेकर अभी अंदर खाने कुछ चल तो नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये तय किया गया हो कि अभी किसी को मंत्री पद का शपथ नहीं दिलाएं? या बाकी विधायकों को लेकर के जाहिर है कि जो उसमें जो जितने बाकी विधायक थे करीब 10-12, वो उनमें से कई ये बात कह रहे थे कि चूंकि नवाब तुकी अपने लोगों को उन्होंने वहां पे बड़ी जगहों पर रखा था, ऐसे वक्त में इसी नाराजगी को लेकर के वो दूर हुए थे, तो उनके आपस में बातचीत हुई थी और फिर फैसला हुआ कि अगर नवाब तुकी को हटाया जाता है और उनको उनकी सुनी जाती है जब बाकी जब मंत्रियों के विभागों के आवंटन होंगे, और उस आधार पे तैयारी कर ली गई थी, इस आधार पे सारे बाकी जो सहमत हुए थे कि ठीक है पेमा खांडू को समर्थन हो देंगे, तो ये अभी तो ये पेट फंसा ही हुआ है। जाहिर अभी सारी चीजें क्लियर वहां पे नहीं हुई, नाराजगी है, लेकिन नाराजगी मनीष दूर कर पाती। मनीष, बहरहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका